आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं पुलिस आयुक्तालय के सामने खड़ा हूं और जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये अजय चवरिया जी है और इनका हमें फ़ोन आया कि हमारे साथ अभी अन्याय हुआ है, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और जैसा आपको सबको पता है, इसी चैनल के माध्यम से अंबादास दानवे जो यहाँ के आमदार हैं और उनके विरुद्ध ये कुछ मामला प्रकरण आया है। चलिए और विस्तार से जानकारी लेते हैं। सर, हमने आपके इसी चैनल के माध्यम से आपने कहा था कि आपके साथ जो भी हुआ पूरा घटनाक्रम, उस घटनाक्रम के बारे में आप विस्तार से जानकारी दें और कार्रवाई कहाँ तक कुछ इसके बारे में जानकारी दें। मैं सबसे पूरे औरंगाबाद शहर की, औरंगाबाद ज़िले की पब्लिक को, पूरे महाराष्ट्र के पब्लिक को जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, आदाब अर्ज़। मेरे समाज का व्यक्ति कुशाल चावरिया जो 10 तारीख को अंबादास दानवे ने उसे बुरा लफ्ज़ वापरा, भंगी है तुम, नीचे चप्पल के ऐसे गंदा लफ्ज़ वापरा है, तो सम्मान्य हमारे औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से हम विनंती मांगने आए हैं और उनको हमने ये निवेदन भी दिया है। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिए है कि इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम, अगर कार्रवाई नहीं होती हो तो हम पूरी समाज को लेके, पूरी वाल्मीकि समाज सीपी हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के सामने हम उपासन पे बैठेंगे। आज तक हम गरीब लोग हैं कि सुबह उठ जाते हैं 5:30 बजे तो शाम को 4:30 बजे आते, लोगों की सेवा करते, मेले का काम करते, क्या ऐसा काम करते हैं कि दूसरी कौम, दूसरी समाज नहीं कर सकती, सिर्फ वाल्मीकि समाज ही करता है। मैं यही कहूँगा निखिल गुप्ता साहब से, क्या भाई जिला अधिकारी रहो, इबाबी आयुक्त रहो या फिर निखिल गुप्ता साहब हो, मैं उनसे ऐरे तुरी की जरा सी भाषा कर दूंगा तो मेरे पे गुना दाखल। मेरे को ये नहीं बोलेंगे जिला अधिकारी, इबाबी आयुक्त या म्यूनसिपल महानगर पालिका कमिश्नर, ये नहीं बोलेंगे क्या भाई तुमने मुझे ऐरे से बात किया है, घर पर खाना खा के वापस से आओ, नहीं, मेरे पे 353 दाखिल कर देंगे। पर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने 10 तारीख को रात को 8:30 बजे तकरार दिया है। आज कितनी तारीख है, कितनी तारीख है भैया, कितनी है, 25 तारीख है। वाल्मीकि समाज की आवाज पुकार, कोई शासन, कोई प्रशासन नोनी या कोई विचारधारा या कुछ ऐसा वाल्मीकि समाज में अचित्र धान में लहरा नहीं है। क्यों, कि हम मेले का काम करते हैं क्या, हमको जान नहीं है क्या कि हमको कोई जनवर में गिनती निकाल रहे हमारी। तो मेरा ये ऐवान है हमारे निखिल गुप्ता साहब से विनंती है, क्या ये काम समर्थक के अंबादास जी दानवे ये बोलते हैं कि मैं औरंगाबाद शहर का आमदार हूँ, आमदार के लेवल का नहीं है। आप वीडियो देखते हैं उनकी, 2020 में रिक्शा चालक को मार रहा है, और सीपी साहब को क्या देना है। मेरे कहने का मतलब है क्या भाई उनका पुरावा और क्या देना है, क्या एक कुशल चावरिया वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति उनकी होटल खुद की चलाता है, किराए पे देता है और वही होटल के अंदर बच्चा कुशल चावरिया चाय पीने जाता है, उसको बोलता है वाल्मीकि छोरा क्या है, सीधा बोलना तू भंगी है, वाल्मीकि काय को बोल रहा तुम्हारा, तू चप्पल पहनने की औकात नहीं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते आप लोग, तो ये बहुत ही अन्याय हो रहा है वाल्मीकि समाज के साथ। तो मैं प्रशासन को कुछ तकलीफ नहीं देते हुए, आज पहली बात तो वाल्मीकि समाज किसको तकलीफ देता नहीं है, वाल्मीकि समाज अपना काम ही करता है, तो मैं विनंती चाहता हूँ हमारे निखिल गुप्ता साहब पुलिस कमिश्नर, क्या हमको ये नौपत नहीं आने देना कि हम उपासन यहाँ बैठेंगे, हमको सीधा लोकशाही पद्धति ने न्याय दो। सर, जैसा आपने कहा कि अंबादास दानवे ये शिवसेना के एक आमदार है और यहाँ पर खैरे साहब भी जो है तो एक बड़े नेता माने जाते हैं, और हम देखते हैं जब बड़े नेताओं के जब इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं तो बड़े लोग मध्यस्थता करते हैं, समझाते हैं, बुलाते हैं, तो क्या आप खैरे साहब के पास गए कि सर ये देखिए हमारे साथ क्या हुआ। खैरे साहब एक नेशनल आदमी है, नेशनल सेकुलर आदमी है, चंद्रकांत जी खैरे, चंद्रकांत खैरे साहब का तो बहुत एहसान है गांधीनगर के, आप जितने वाल्मीकि समाज के हैं वो आते हैं, समीर राजूरकर साहब आते हैं, जयसवाल साहब आते हैं, संजय सिरसाट आते हैं, नंदू गोलेले महापौर वो साथ है, सब नगर सेवक हर जाति हर कौम के आते हैं, परंतु ये आमदार किसी के लायक ही नहीं है जो खुद को ये बोलता है कि मैं आमदार हूँ। आमदार ऐसी बात करता ही नहीं ना, इतनी गंदी लफ्ज वापरना। तो चंद्रकांत खैरे का, चंद्रकांत खैरे साहब ने ये नहीं बोले उसको क्या भाई किसकी जात निकाल, उद्धव जी ठाकरे ने ये नहीं बोला है भाई किसकी जात निकाल, आदित्य ठाकरे ने ये नहीं बोला भाई किसी की जात निकाल, उनका कुछ भी नहीं है। चंद्रकांत जी खैरे उनकी लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, हमको ये चंद्रकांत खैरे से विनंती है कि
क्या तुम्हारी पार्टी में ऐसे लोग आए, इसको लात मार के हकाल दो। ये गुंडा है, ये दंगल खोर है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाने का काम करता है, ये इसका आमदार है, ये संचालक है दंगल का। सर आप जैसे कहा कि आपने पोलिटिशन में तकरार दी है, हाँ। तो वहाँ के PI साहब से आप चक्कर मारे, क्योंकि कैसे है थोड़ा बहुत अपने को भी चक्कर मारना पड़ता ना कि साहब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ आपने उसका संज्ञान लिया? खुशाल चावरिया मेरे को बार बार कह रहे थे, क्या शुक्रवार के दिन फोन आया है बाबुल मैडम का, हम गए बाबुल मैडम के पास, बाबुल मैडम से मैंने विनती किया है, मैडम प्लीज़ हमको न्याय दो, हमारे ऐसे 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 व्यक्ति ने ऐसे ऐसे गाली दिया है, तो ऐसे हमको आश्वासन दे रहे हैं, कुछ LC भी दाखिल नहीं, कुछ गुनाह दाखिल नहीं, और बच्चे को लाद भी मारा है, गालियाँ भी देते, पर लोकशय पद्धति ने आप पुलिस प्रशासन के पास में कौन सी किताबी हो, गुना दाखिल करो ना उसके ऊपर। सर जैसा आपने इससे पहले हमारे इसी चैनल के ऊपर कहा था कि कुछ पुरावे हैं, मैंने एक बार फिर मैं फर्स्ट आपको दोहरा रहा हूँ, कैसा ठोस पुरावा आपको वीडियो का, आपको मोबाइल का, शूटिंग का, तो जिसके देखने के बाद मतलब पुलिस प्रशासन को भी एक्शन लेने में आसानी हो, ऐसा कोई ठोस पुरावा है? ठोस पुरावा देखो, आज 25 तारीख है, 10 तारीख को ये घटना हुई थी, अभी 15 दिन हो गए, अभी मीडिया साहब आप भी सोच सकते हैं बात के, अब तक वो वीडियो रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं, जो प्रशासन के जो कैमरे लगते हैं सिटी में, वो कैमरे है क्या नहीं है ये पुलिस प्रशासन का काम है। तो आपने उनसे कहा कि कैमरे चेक करो, रिक्वेस्ट किए थे आपने? 10 तारीख को ही बोल दिया था, 10 तारीख 11 तारीख को ही बोला मैंने, हमारे इंग्लिश साहब भी उनकी ट्रेनिंग पे गए हैं, वो इंग्लिश साहब को ही मैंने बात किया था, इंग्लिश साहब बोले ठीक है हम चौकसी करके 1 घंटे के अंदर जो है तुम्हारा काम हम पूरा दाखिल जो बनता है वो कर देंगे। सर हमारे औरंगाबाद में और भी नेता लोग हैं, और मेरा सवाल ये है कि देखिए ये मामला बहुत प्रकरण अलग दिख रहा है, हमारी भी कोशिश प्रयास रहता है, हम चौथे स्तंभ के सिपाही है कि भाई हालात ना वो हो, एक मध्यस्थता हो जाए, कुछ गलत फहमी हो तो गलत फहमी दूर हो जाए, या कुछ बात तो बात की, और भी नेता है, तो आपने कोशिश की है साहब हमसे भी इंसाफ चाहते हैं, अब हमारे औरंगाबाद शहर में और भी नेता है, मैं किसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, कि आप किसी के पास दोहार लगाए आपने कि साहब पर्सनली तौर से साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप नेता हैं, आप बड़े हैं? सर देखो मीडिया भाई, अगर ये तरीका का मैं काम करता तो लोग उसको राजकारण बोलते थे, मैं ये पब्लिक को तराश नहीं देना चाहता, सब मानिए हमारे MP उनके पास भी नहीं गया मैं, और बहुत से लीडर हैं उनके पास मैं नहीं क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई पब्लिक वाल्मीकि समाज एजुकेशन में तम सब है जी, पढ़े लिखे भी है, कोई अनजाने में कुछ ऐसा गुस्सा आ जाए वाल्मीकि समाज को, क्या भाई हमको इतना गंदा लूज वापरा क्या उसको कल जगह कोई मार लग जाए, तो मैंने करके मैंने किसी लीडर के पास में गया नहीं, और किसी लीडर को मैंने बात शेयर भी नहीं करा, क्या ऐसे ऐसे वाल्मीकि समाज का एक सुशाल चावरिया बोल क्या था उसने से बदतमीजी किया अम्बाजरदान में, तो मैंने ये जनता का ख्याल करते हुए मैंने किसी को बोला नहीं। आखिरी लोकशाह माध्यम से आपका आखिरी कदम क्या रहेगा? आखिरी कदम ये रहेगा कि मैं औरंगाबाद शहर के अंदर शांतता चाहता हूँ, और पुलिस प्रशासन 12 महीने सेवा लगी हुई है पब्लिक के, तो लोकशाह पद्धति ने मेरे को उपासन का मौका मत आने देना, सब माननीय हमारे निखिल गुप्ता साहब पुलिस कमिश्नर, मैं उपासन पे बैठने का विचार है मेरा पूरा, पर मैं भरोसा मेरा ये दिल कहता है कि निखिल गुप्ता साहब एक सेकुलर एक सुशील पानी की तरह पवित्र आदमी है, क्या वाल्मीकि समाज को न्याय दी। इस प्रकार से आपने देखा कि इनकी पूरी बात को सुना, और हम तमाम दर्शकों को बता दें कि इससे पहले भी कई सोशल मीडिया पे इनका वीडियो आया है, इनका बयान आया है, सारी बात है, आज इन्होंने फिर एक बार आवाज़ दी कि हम लोकशाही माध्यम से इंसाफ चाहते हैं, हम इसमें ज़्यादा तो नहीं कहना चाहते कि मामला पुलिस में गया हुआ है, और जब पुलिस का और कोर्ट का दखल आ जाता है तो हम मीडिया भी जो है तो संयम से काम लेता है, समझदारी से काम लेता है, आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले हैं, बहुत सी बात होने वाले हैं, कभी कभी की एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन ये सही है झूठे उसकी निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए जैसे ये मांग कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन की जैसे इन्होंने विश्वास जताया है कि निखिल गुप्ता साहब बरोबर इनके लिए इंसाफ देंगे, प्रयास करेंगे, तो अब पूरी नज़रें पुलिस प्रशासन पर है कि क्या कार्रवाई होती है, और जनता इस पूरे मामले को देख रही है।